हेलो दोस्तों, आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कासिया फिस्टूला का पौधा है। हिंदी में इसको अमलतास के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम कासिया फिस्टूला है। ये पौधा भी देख सकते हो, फूलों से भरा हुआ पौधा है और ये मई का महीना चल रहा है तो आप इस पर बहुत सारे फूल देख रहे होंगे। इस पेड़ के पौधे आपको पूरे सर्वत्र भारत में देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादातर मई के महीने में इस पर फूल आते हैं। आप इसकी पत्तियों को भी देख रहे होंगे, पत्तियां भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और ये पौधा ज़्यादातर फोड़े फुंसी वगैरह को सही करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और इसको लोग प्रयोग करते हैं, जो वैद्य वगैरह होते हैं वो लोग इसको प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा ये पौधा अमल को ढीला करने में और इस पौधे पर आपको जो फलियां होती हैं वो भी गूदे के रूप में लोग इसको यूज करते हैं। उसके अंदर जो गूदा होता है उसको भी दवाई या औषधि के रूप में लोग लेना पसंद करते हैं। उससे गूदे को दूध में डाल करके पीते हैं और पेट भी उससे साफ हो जाता है, तो इसके काफ़ी फायदे हैं। अभी इस पौधे पर सुंदर सुंदर जो फूल देख रहे हो, ये बहुत छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं और भी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और देखने में आप इनके देख सकते हो गुच्छे में फूल देखने को मिल जाएंगे। और ये पौधा आपको जो 20 रुपए होता है उस पर भी आपको इस पेड़ के देखने पेड़ देखने को मिल जाएगा। और ये केरला का ये स्टेट फ्लावर है आप बोल सकते हो। तो ये पौधा काफ़ी उपयोगी पौधा है, आप ये इसको बोल सकते हो आयुर्वेद की दृष्टि से। और ज़्यादातर लोग इसको सजावटी कार्यों के लिए इस पौधे को ज़्यादातर लोग लगाना पसंद करते हैं। फूल के ख़त्म होने के बाद इस पर लंबे लंबे आकार की फलियां लगती हैं जिसके अंदर गूदा और उसके बीज होते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुच्छों में फूल हैं। अब यहाँ पर अभी फली नहीं आई है, फली इनके फूल के झड़ने के बाद इस पर फलियाँ लगेंगी जो कि लंबाई में काफ़ी बड़ी होती हैं। आप देख सकते हो वहाँ पर है जो, तो काफ़ी लंबी लंबी इस पर फलियाँ भी लगती हैं। और इस पौधे की लंबाई बहुत हो सकती है कम से कम 15 से 20 मीटर तक ये पौधा लंबा होगा और इसकी मोटी मोटी आप शाखाएं देख सकते हो। तो देखने में ये पौधा बहुत सुंदर लगता है, आप भी अब इस पौधे को अपने घर पर लगा सकते हो नर्सरी से। और या तो इसकी फली आप किसी नर्सरी से ला सकते हो या आपके पास या गांव में कोई बगीचा में ऐसे पेड़ आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ से भी आप इसके बीज ला सकते हो और अपने घरों में इसको उगा सकते हो इस पौधे को। वाकई फूलों से भरा हुआ ये पौधा बड़ा सुंदर लगता है और ये एक पतझड़ पौधा है। अभी नए पत्ते इस पर आए हैं, फरवरी मार्च के महीने में इस पर सब पत्ते गिर जाते हैं। देना भी नए इस पर आए हैं, नए नए पत्ते और फूल, देखने में वाकई इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है और आयुर्वेद के हिसाब से भी काफ़ी इसके फायदे हैं। आप भी इस खूबसूरत पौधे को अपने घर पर लगा सकते हो और अपने घर की शोभा और अपने बगीचे की शोभा इस पौधे को लगा करके बढ़ा सकते हो। और आप इसके अलावा ये बहुत से पक्षियों का आश्रय तो रहेगा ही और वहाँ का पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आशा करते हैं आप इस तरह के
उपयोगी पौधे को अपने बगीचे पर जरूर लगाना चाहेंगे। तो आप इस तरह के अपने बगीचे पर पौधे लगाइए और फूलों से अपने बगीचे को सजाइए। अब तब तक हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।